हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जिनके भी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं उन सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली हैं। वीडियो को इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट चैनल पर लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को समझते हैं। मामला क्या है, देखिए, आपको मालूम ही है कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते हैं तो उस केस में हस्बैंड की तरफ से कुछ केसेज वाइफ के ऊपर किए जाते हैं और वाइफ की तरफ से कुछ केसेज अपने हस्बैंड के ऊपर किए जाते हैं। तो इस पूरे मामले को दोस्तों हम समझते हैं पहले, उसके बाद मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जो मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं जो जजमेंट का जिक्र आपसे करने वाला हूं, ये जजमेंट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल का जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि सर इस केस में क्या होगा, तो उन लोगों को भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिलेगी कि स्टेट केस कौन सा होता है और कंप्लेंट केस कौन सा होता है, और जो स्टेट केस और कंप्लेंट केस होते हैं उन दोनों में ही क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, आज के जजमेंट आपको बताएगा ये। दोस्तों, ये जजमेंट आपके डीवी केस से रिलेटेड है, डीवी के बारे में बताता है। अब डीवी दोस्तों एक कंप्लेंट केस टाइप का होता है, यानी डीवी का केस जो है वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर दर्ज होता है। तो ऐसे केस में क्या आप इसको भी क्वेश्चन करा सकते हैं, या फिर दोस्तों ये बात वहां पे भी लागू होती है जब किसी ने 498A का केस पुलिस स्टेशन में एफआईआर उसकी दर्ज नहीं हुई और उसने जाके डायरेक्टली कोर्ट में दर्ज करा दिया, यानी उस केस में वो 498A का केस भी कंप्लेंट केस कहलाएगा। तो क्या उस केस में आप 498A की क्वेश्चन करा सकते हैं हाई कोर्ट से, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इस मामले को जान लेते हैं, पूरा मामला क्या था। अब दोस्तों, ये मामले में विवाद की शुरुआत यहां से हुई कि जो वाइफ थी वो एक यूके टूर पे गई। टूर से आने के बाद वो अपने सिस्टर के यहाँ गई, कुछ दिन वहां पर रही और उसके बाद फिर वो अपने मायके चली गई और उसके बाद से वापस अपने ससुराल नहीं आई। अब दोस्तों, इसके बाद सितंबर 2020 में वाइफ ने हस्बैंड को एक लीगल नोटिस भेज दिया। उस नोटिस में बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए और इसके बाद इस नोटिस का जवाब हस्बैंड ने अक्टूबर 2020 में दिया। उसने सारे एलिगेशन के बारे में कहा कि ये सारे झूठ हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो अपनी मैरिड लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों 16 दिसंबर 2020 को हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया और इसके कुछ ही दिनों के बाद जो वाइफ है, वाइफ ने डाइवोर्स का केस अपनी तरफ से फाइल कर दिया। इसके बाद दोस्तों हस्बैंड ने 17 दिसंबर 2020 को सूट फॉर पार्टीशन भी फाइल कर दिया। अब दोस्तों, आप जिन लोगों को नहीं पता है सूट फॉर पार्टीशन क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं, सूट फॉर पार्टीशन होता है कि यदि किसी संपत्ति में आपका भी हिस्सा है तो उस हिस्से को अलग करने के लिए आप कोर्ट से कहते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। अब ये हिस्सा दोस्तों आपका वाइफ के साथ भी हो सकता है, आपका माता पिता के साथ भी हो सकता है, आपका पैतृक संपत्ति में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है सूट फॉर पार्टीशन का, लेकिन जो तरीका है वो सेम है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सूट फॉर पार्टीशन का वीडियो देख करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद 22 दिसंबर 2020 को वाइफ ने हस्बैंड पर डीवी केस भी डाल दिया, डीवी एक्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद जो हस्बैंड था उसने 482 सीआरपीसी यानी 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वाइफ ने ऑब्जेक्शन किया कि क्वेश्चन की उसकी जो एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल ही नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर मेन पॉइंट आता है, सेक्शन 482 सीआरपीसी यानी आपके खिलाफ जब कोई कंप्लेंट दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में और फिर उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप उसकी क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाते हैं। यह आप में से अधिकतर लोगों को पता है, कल का वीडियो भी यही था कि 498A के क्वेश्चन पर वीडियो था। तो यानी कि जो भी आपकी एफआईआर दर्ज हुई है आप उसको क्वेश्चन करने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर कोई कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है तो क्या उसकी भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में जाके कराई जा सकती है, क्या ये प्रोविजन वहां पर भी लागू होगा? तो दोस्तों, इस मामले में जो मैं आपको आज का मामला बता रहा हूं, इस मामले में बिल्कुल ऐसे ही है। हस्बैंड ने कंप्लेंट केस के विरुद्ध सेक्शन 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल कर दी। अब दोस्तों देखिए, सेक्शन 482 सीआरपीसी में उसने जब पिटीशन फाइल करी तो कंप्लेंट केस में करी, इसलिए जो वाइफ थी उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो आप केवल क्रिमिनल मामलों में जो कि पुलिस में दर्ज होते हैं उसी के खिलाफ कर सकते हैं। अब दोस्तों, वाइफ की इस एप्लीकेशन पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि सेक्शन 482 सीआरपीसी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसे केस में आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227
में इसको कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो टाइटल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्टिकल 226, 227 है या 482 सीआरपीसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स है वो उसको यूज कर सकती है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट का मत ये था कि जो 482 सीआरपीसी है यदि आप ये कहते हैं ये मेंटेनेबल नहीं है तो आराम से पिटीशन आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 में कन्वर्ट हो सकती है। और वैसे भी जो लेबल होता है वो हाई कोर्ट के लिए एक इमेटेरियल थिंग है। अब दोस्तों ये जो हस्बैंड की 482 सीआरपीसी में पिटीशन थी इसको पार्टली अलाउड किया गया। इसमें कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था लोअर कोर्ट ने कि जो भी बैंक अकाउंट हैं या लॉकर्स वगैरह हैं उनको वो जॉइंटली यूज करेंगे, यानी कि जो हस्बैंड के लॉकर्स वगैरह हैं वो जॉइंटली वाइफ के साथ ही यूज किए जा सकते हैं या वाइफ चाहे तो अकेले भी यूज कर सकती है। तो इसको हाई कोर्ट ने कहा कि मॉडिफाई करने की जरूरत है और लोअर कोर्ट के द्वारा डीवी केस में दिए गए इस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। यानी कि जो देखिए जो वाइफ है वाइफ अपने लॉकर को अपने बैंक अकाउंट को जो है यूज कर सकती है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जो पति का अकाउंट है उसका पर्सनल अकाउंट है उसको भी जॉइंटली यूज किया जाएगा वाइफ के साथ। तो ये एक तरह से गलत ऑर्डर था कोर्ट की निगाहों में और कोर्ट ने इस ऑर्डर को सही किया, यानी कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने उसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि हस्बैंड ने 482 सीआरपीसी में उस ऑर्डर के खिलाफ जो गया था उसको मान लिया गया। तो दोस्तों ऐसे में बात वही है कि 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट की जो पावर है उनको अगर हाई कोर्ट चाहे वो उचित समझती है तो वो कंप्लेंट केस में भी यूज कर सकती है। यही आप में से बहुत सारे लोगों का कल क्वेश्चन भी था और ये जो आज का मैंने आपको जजमेंट बताया इसमें ऐसा हुआ भी है। तो ये जो जजमेंट है इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरा जजमेंट डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसके मटेरियल फैक्ट थे और यदि आपके केस से मैच होते हैं तो अपने केस में इस जजमेंट को यूज करके आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है और आप उससे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।